आप और मैं इस समय खुद को जिस भी स्थिति में पाते हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, अच्छी या बुरी, वे बाहरी चीजें बिना किसी संदेह के जीवन के बारे में हमारी भावनाओं को प्रभावित करेंगे। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छी परिस्थितियां हमारे मूड को अच्छा बनाती हैं, जबकि कठिन परिस्थितियां इसे खराब कर देती हैं। हमारी भावनाएं हमारी परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। आखिर विपत्ति का सामना कौन करना चाहता है? जैसा कि कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का हमारा एक तरीका होता है, जबकि हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं तो ये हम पर टूट पड़ती हैं या हमारे ऊपर रेंगने लगती हैं। इसके बारे में सोचो, अभी आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसे आपने अपने लिए नहीं चुना होगा? इससे आप कैसा महसूस करते हैं? कुछ हद तक ऊपर और नीचे का चक्र स्वाभाविक है, लेकिन अंत में परमेश्वर ने हमें जीवन को रोलर कोस्टर पर चलने के लिए नहीं बनाया है। कोई भी ऐसे जीना नहीं चाहता, इसलिए बाइबल में लिखा है सभों को देशक उसका 7:14 में, जब जीवन अच्छा हो तो उसका आनंद लो, लेकिन जब जीवन कठिन हो तो याद रखें कि परमेश्वर हमें अच्छे समय और कठिन समय दोनों देता है, और भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सच्चाई यह है कि ईश्वर हमारे सामने आने वाली हर परिस्थिति में संप्रभु रहता है। आजकल, अगले दिन और हर तरह से सब जीवन जब अच्छा हो, जब परमेश्वर उन अच्छे समयों को देना चुनते हैं तो हमें उनका आनंद लेना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब समय कठिन हो तो याद रखें कि वो समय भी प्रभु के हाथ से आते हैं और उस समय भरोसा किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप कठिन समय का सामना करें तो याद रखें कि आप उन अनिश्चित समय में आश्वस्त रह सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके विश्वास के योग्य है। ये उसका ताज़ा वचन है आज आपके लिए।